अवेयरनेस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर कंजोलिया साहब ने आपको सार्थक जानकारी दी। मैं आपको कुछ और जानकारी इस कड़ी में देना चाहता हूँ। हमारी आंख मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ईश्वर की एक विशेष प्रकार की देन है जिससे हम देखते हैं। देखने का जो काम होता है वो हमारी आंख संपन्न करती है। आंख एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आंख का, जिससे हम लर्निंग 80% लर्निंग हमारी आंख से होती है। ये एक मॉडल है जिसके माध्यम से मैं आपकी संरचना या आपका स्ट्रक्चर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आंख में सबसे महत्वपूर्ण चार हिस्से होते हैं, कॉर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। ये चार सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कॉर्निया जो होता है आंख का, वो एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, कॉर्निया कहते हैं जिसको। ये आंख की जो टोटल पावर होती है वो 60 डायोप्टर होती है, जिसमें से कॉर्निया 44 डायोप्टर यानी 44 डायोप्टर पावर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके पश्चात जो आंख का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो लेंस है आंख का, जो कि 14 डायोप्टर यानी 14 डायोप्टर पावर को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो बचा हुआ 1 डायोप्टर पावर होता है वो आंख के अंदर जो एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर भरे होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके पश्चात आंख में ऑप्टिक नर्व यानी कि दृष्टि तंत्रिका एक अंग होता है, जो कि दृष्टि तंत्रिका जो होती है वो सिग्नल को जो रेटिना के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है आंख का। लेंस आपने देखा जिसमें पारदर्शिता जैसी समाप्त हो जाती है, तो कैटरक्ट यानी कि मोतियाबिंद बन जाता है। और इसके पश्चात ये आंख की ऑप्टिक नर्व ये दृष्टि तंत्रिका है, जो कि ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है। और ये आंख का पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो आंख का जो कॉर्निया होता है, जब हम कॉर्निया बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जब कॉर्निया किसी भी कारणवश इसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, तो हमें दिखाई देना कम हो जाता है या दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आंख की जो टोटल पावर है 60 डायोप्टर, उसमें से सबसे जो अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे अहम जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो कॉर्निया का होता है। इसलिए कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया की पारदर्शिता साफ देखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, अब हम ये देखा कि आपने देखा कि कॉर्निया क्या है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट, अब आप एक वीडियो के माध्यम से देखें, एनिमेशन के माध्यम से देखें कि किस प्रकार से कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये हमारा कॉर्निया से जब लाइट रे जाती है तो रेटिना यानी कि पारदर्शी पुतली पर फोकस होती है। अब इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कॉर्नियल डिजीज जाती है, यानी कॉर्निया की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, तो धुंधलापन आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया। अब कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो क्यों खत्म हो सकती है, क्यों प्रभावित होती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं इंजरी होना यानी चोट लगना। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों में चूना चला जाता है, हम महाभारत रामायण के समय पे धनुष बाण से चोट लग सकती है, कई बार दिवाली के पटाखे या होली के रंग चले जाते हैं, तो उसकी वजह से कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो सकती है। कई बार हेरिडिटरी फैक्टर्स यानी कि आनुवंशिक कारणों से भी कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त कई बार आंखों में आई फ्लू होता है, जब आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस होता है, तब भी कई बार बच्चों की आंखों में कॉर्निया जो होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी या विटामिन ए की कमी के कारण ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो सकती है या कम हो सकती है। तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी का बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक है स्पष्ट देखने के लिए। और इसके लिए मैं ग्रामीण पुलिस लाइन में उपस्थित इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूँगा कि जब भी आप फील्ड में होते हैं, तो कई बार हमारे यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं, जिस प्रकार से तीर कमान की घटनाएं होगी, चूना जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी को कम या कॉर्निया हिजीनेस होने का। कई बच्चे जो होते हैं वो चूने के पाउच को दबाते हैं, तो चूने का पाउच आँख में चला जाता है अचानक, उसकी वजह से आँख की रोशनी चली जाती है। तो चूने जो होता है, ये चूना का पाउच होता है, ये भी बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉज है भारतीय ग्रामीण परिवेश में कॉर्नियल ओबेसिटी का या कॉर्नियल प्रॉब्लम का। तो आपने देखा किस प्रकार से कॉर्निया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये कॉर्निया आपने देखा है किस प्रकार से जब कॉर्निया खराब हो जाते हैं तो किस प्रकार से ओबेसिटी जाती है यानी कि धुंधलापन आ जाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण परिवेश में है इंजरी, यानी कि कई बार खेतों में काम करते हैं तो इंजरी, गेहूं का क्या लकड़ी का टुकड़ा लग गया या बबूल का कांटा लग गया। कई बार खेतों में काम करते समय
किसानों की आंखों में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से कॉर्निया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग थेराप्यूटिक रेटिनोप्लास्टी एक इमरजेंसी ऑपरेशन है, जिसमें हमें इमरजेंसी के अंदर आंख को बचाने के लिए ऑपरेशन करना होता है, जिसको हम थेराप्यूटिक रेटिनोप्लास्टी कहते हैं। इसमें इसका मुख्य मकसद होता है कि आंख को बचा रहे हैं, किसी भी तरह से आंख को छेद हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, उसमें बचा रहे हैं। तो थेराप्यूटिक रेटिनोप्लास्टी की जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल इंजरी, यानी कि आंखों में एसिड गिरना। अब ये देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कॉर्निया को निकाला जाता है। जब कॉर्निया निकालने में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कौन आता है और हमारे पिंक हो जाने कई बार पहुंचते हैं, तो किस प्रकार से ये कॉर्निया को निकाला जाता है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आंखों में विटामिन साफ किया जाता है, फिर एक स्टेराइल जो होता है आईग्रेड को लगा दिया जाता है, उसके पश्चात फिर कॉर्निया को उसकी जांच की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है कि उसका एंडोथेलियल सेल काउंट कितना है, उसका किस प्रकार से वो मतलब उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। यदि कॉर्निया यंग पेशेंट ने डोनेट किया है, किसी यंग मतलब 40-50 साल के बच्चे ने डोनेट किया है, तो उसका कॉर्निया अच्छा माना जाता है, और इस प्रकार उस कॉर्निया की ग्रेडिंग करने के पश्चात उसको क्लासीफाई करके रख दिया जाता है। और वो जैसे कई बार यंग डोनेशन आता है तो बच्चों को लगाना है, तो हम लोग उस वो कॉर्निया लगाते हैं जो कि जिसके एंडोथेलियल सेल काउंट अच्छी हो, जो अच्छे तरह से हो। अब उसके पश्चात हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब कॉर्निया आपको मिल जाता है तो किस प्रकार से उसका ऑपरेशन होता है। ये 3 साल की बच्ची है जिसकी आंख का कॉर्निया ओपेक हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको आई फ्लू हुआ था, बचपन में कंजंक्टिवाइटिस हुआ था, और कंजंक्टिवाइटिस होने की वजह से इसकी आंख का कॉर्निया पूरी तरह से ओपेक हो चुका है। अब ओपेक कॉर्निया जब होता है, इसको हम ऑपरेशन करके जो एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले हम बच्ची की आंख पर 20 साल की बच्ची, इसलिए इसका ऑपरेशन एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया किया गया है। और सबसे पहले ये एक हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद जो ओपेक कॉर्निया होता है या जो कि जो ओपेक हो जाता है उसको हम नापते हैं, और उसके पश्चात ये एक जो जो डोनर है, डोनर कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, उसको हम उस साइज में काटते हैं, 7 मिलीमीटर 7.5 मिलीमीटर, और काटने के पश्चात फिर हम ओपेक कॉर्निया को निकाल के डोनर कॉर्निया वहाँ पर लगाते हैं, और उसको फिर लगभग 8-10 सूचर्स के माध्यम से या 12 सूचर्स के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है। अब देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो कॉर्निया है, ये एंटी मीडियम एक विशेष प्रकार का मीडियम होता है, इसके अंदर रखा गया है, और ये जो डिजीज कॉर्निया यानी कि अपारदर्शी कॉर्निया है, क्योंकि पारदर्शिता जैसे समाप्त हो चुकी है, उसको हम निकाल रहे हैं, और उसको सावधानी से निकालने के पश्चात हम उसके पश्चात फिर इसको रिप्लेस करेंगे एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू के माध्यम से। और ये बच्ची जो 3 साल की बच्ची थी, जिसकी आँख में रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, इसको नई रोशनी मिली है, एक नया जीवन मिला है, और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो डिजीज जूस जो कॉर्निया अपना पारदर्शी समाप्त हो चुकी थी, उसको निकाला हमने, और निकालने के पश्चात फिर अब हम उसको ये कॉर्निया है जो कि ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, यानी कि पारदर्शी कॉर्निया है, और इसको विशेष नाइलॉन सूचर्स होते हैं उसके माध्यम से इसको फिक्स किया जा रहा है। और आजकल मेडिकल साइंस में जो क्रांतिकारी शोध हुए, परिवर्तन हुए, उसके माध्यम से जो कॉर्निया होता है वो आजकल सूचर्स की भी जरूरत नहीं होती, सूचर्स भी कम लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉर्निया एक ऐसा विषय है जो नहीं होता है, उसके पश्चात एक कॉर्निया से उसकी
पांच पर्तियां होती है, तो उन पर्तों को हम अलग तरह से यूज कर सकते हैं। एक बार क्या है कि होते हुए ऑपरेशन के बाद कोर्निया खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल डीकंपेंसेशन। तो ऐसी स्थिति में एंडोथेलियल नामक जो परत होती है कोर्निया की, जो आखिरी परत होती है, सबसे अंदर की तरफ परत होती है, उस परत को हम बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही पुण्य का काम है, जो कि सामाजिक जागरूकता के माध्यम से संभव हो सकता है। अब ये वीडियो आप देखते हैं रेगुलर प्लास्टिक, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि आजकल जो टेक्निक आ गई है, नई टेक्निक आई है, उस टेक्निक के माध्यम से एक कॉर्निया से दो या तीन लोगों की रोशनी, आंखें रोशन हो सकती हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कॉर्निया का जो ग्राफ्ट है उसको हम लोगों ने एक विशेष प्रकार की उसमें रखा हुआ है, चैम्बर रखा हुआ है, और उस कॉर्निया को लेजर के माध्यम से या एक विशेष प्रकार के माइक्रो कॉरिडोर के माध्यम से उसके हम दो या तीन पार्ट भी कर सकते हैं, और वो पार्ट हमें हम उस पार्ट का उपयोग हम अलग अलग पद्धति के रूप में कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर मान लो एंडोथेलियम खराब हो गया, तो उसको हम एंडोथेलियल रेटिनोप्लास्टी के माध्यम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पर किसी की आगे वाली परत खराब है, तो उसमें वो जो होता है लेमिनर रेटिनोप्लास्टी के माध्यम से उसको किया जा सकता है। और ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये कॉर्निया को फोल्ड करता है, एक डिस्क जैसा होता है फोल्ड करता है, फोल्ड होकर अंदर आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्टर के माध्यम से। और इसके माध्यम से आज कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इसमें सूचर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक दो सूचर्स आते हैं, विजुअल रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, बहुत जल्दी मरीज को रिकवर कर जाता है, और इसमें ग्राफ्ट डिटेक्शन के चांस भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट, अब जो नेत्रदान है उसके लिए आज हम ग्राम पुलिस परिसर पर उपस्थित है। इस नेत्रदान मुहिम को सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, धर्म गुरुओं ने सपोर्ट किया है, फिल्म स्टार ने सपोर्ट किया है, और सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि नेत्रदान महादान, और नेत्रदान के माध्यम से हम अंधेरी दुनिया रोशन कर सकते हैं, अंधेरे में दुनिया उनकी जो अंधेरी दुनिया हो चुकी है वो फिर से रोशन हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बारे में जो हमारी परंपरा है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, कि किस प्रकार से ऋषि दादीश ने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे जो व्रज बना था उसे व्रजासु मारा गया था। तो अंग दान की परंपरा हमारे शास्त्रों में है, हमारे उसका उदाहरण होता है और दिया गया है ऋषि दादीश का। तो ये ओपन डोनेशन कोई नई चीज नहीं है, माधव सागर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और
फिटनेस होते वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछला कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा और इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम से हम अन्नता पर विजय पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि श्रीलंका जैसा छोटा देश जो कि मात्र 2 करोड़ देश है उसमें सबसे ज्यादा नेत्रदान होते हैं, इसकी पॉपुलेशन बम्बई के बराबर है, लगभग बॉम्बे के बराबर है, तो जब श्रीलंका कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। कोटा का नाम नेत्रदान क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे आए और कोटा जिस प्रकार से शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, रक्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, इसी प्रकार हमारा उद्देश्य है कि सभी के प्रयास से कोटा का नाम और जो है आइडोलेशन क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर को यही प्रयास है। और बोले मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय एसपी साहब का, आदरणीय रीजनल एसपी साहब भारत जैन साहब का कि आपने हमें आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत विकास परिषद के नाटक साहब का, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो तो आप भी सकते हैं। थैंक यू।